सो मैं रेडी हो रहा हूँ कल के राइड के लिए। एंड मेरे राइड से पहले देखिए, इन लोग मेरे गियर्स के साथ खेल रहे। ओ अरे लग जाएगा पागल, वो एकदम कड़क है। उन्होंने ये पेन और जानबूझ के गिर जा नीचे, देख जरा लग रहा है क्या। किधर लगा, किधर लगा क्या? नहीं नहीं ना, वापस गिर जोर से। नहीं नहीं, तू गिर बे, चोट लगा, कुछ पैदा नहीं है इधर इधर। अभी कैसा लग रहा है? क्या खांसी? खांसी ठीक है ना? तबीयत ठीक था, लेकिन तूने हंसाया तो अभी दो बार खांसा ना। ए मत हंस प्लीज, रख दे रख, जैकेट निकाल, हंस मत। हाँ, और नीचे से लॉक कर दे। खींच के देख बाहर आ रहा है क्या? हाँ हो गया। थोड़ा नीचे पहन हेलमेट, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे पहन। बस क्या, हाँ फोटो खींच के दिखा मुझे कैसे दिख रहा है। एकदम मस्त दिख रही है। बस कर रही। बाय बाय मैक्स, टेक केयर, मिलता हूँ ठीक है, बाय, जल्दी आऊंगा मैं। ट्रिप स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग गुड। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 8:24 और हम लोग आज फर्स्ट ऑफिशियल राइड पे निकल चुके हैं। मेरे साथ आज नीतू भी आई है राइड पे, तो जो ऑफिशियल पहला राइड है नीतू और मेरा है, एंड वो भी भगवान के दर्शन के साथ करेंगे। तो आज हम लोग जा रहे हैं पुणे से थोड़ा आगे, जो कि प्रति बालाजी टेम्पल है, उसका डिस्टेंस है अराउंड 155 टू 160 किलोमीटर और 3 घंटा 16 मिनट दिखा रहा है। तो देखते हैं हम लोग कितने बजे तक पहुंचेंगे, क्योंकि ऑल डिपेंड्स अपॉन ट्रैफिक, और हमारा स्पीड जो रहेगा वो ज़्यादा नहीं, 60-70 रहेगा, उससे ऊपर तो अपनी गाड़ी जाएगी नहीं। सुबह सुबह वैसे हम लोग ने नाश्ता नहीं किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी जल्दी उठ के अभी निकल गए, एंड मम्मी भी जस्ट आधा घंटा पहले उठी है, तो मम्मी से पॉसिबल हुआ नहीं इतना जल्दी नाश्ता बनाने। तो नीतू और मैंने हम लोग ने डिसाइड किया हम लोग बाहर कहीं नाश्ता करेंगे, और अभी नहीं, अराउंड 10-10:30 बजे तक करेंगे, तो तब तक कंटिन्यूस राइड करेंगे। पेट्रोल भी वैसे है आई थिंक सो, ये पूरा पुणे तक तो चले ही जाएगा, जहाँ पे कमी पड़ेगी वहाँ पे पेट्रोल भर लेंगे। तो ये नीतू का फर्स्ट राइड है, इतना दूर राइड कर रही है, वो भी स्कूटी में, और फर्स्ट टाइम उसने हेलमेट भी पहना है, तो काफी कंफर्टेबल आ रहा है उसे मेरा वाला हेलमेट, एंड शी इज गुड नाउ। और मैंने अपना जैकेट भी दे दिया ताकि उसे ठंडी ना लगे। अभी फिलहाल सुबह तो ठंडी लग रही है, बट आगे जाके ऐसा ना हो कि जैकेट में मुझे गर्मी हो। मैंने तो इनर लाइनर भी डाल दिया, वार्म लाइनर। मेरा तो वैसे अब तक का 350 किलोमीटर का राइड हुआ है, बट बहुत पहले किया था दोस्तों के साथ, बट ओरिजिनल मोटो व्लॉग राइड ये मेरा फर्स्ट है और फर्स्ट लॉन्ग राइड है ये। सुबह सुबह पहला सिग्नल भी लग गया, हुआ 42 सेकंड्स। आईडी बंद कर देते, वैसे तो मैंने सुबह सुबह गर्म की अच्छी खासी, मैंने तो 4 बार किक मारा था उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई थी, और लास्ट में 5वीं किक में मुझे थोड़ा सा रेस देके स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि ज़्यादा ठंडी है तो इंजन बहुत कोल्ड हो गया था और स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। आई मीन स्टार्ट हो रहा था, 2-3 सेकंड 5 सेकंड बाद वापस बंद हो जा रहा था। तो भाई साहब ये पानी कहाँ से आ गया, बारिश तो हुई नहीं और यहाँ पर तो आधा रोड तो पानी से ही भरा हुआ है। तो हम लोग जाने वाले ओल्ड मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे से, जो कि काफ़ी अच्छा रोड है, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्मूथ है। मैं तो काफ़ी टाइम गया हूँ बट पुणे तक नहीं गया, होप सो वहाँ तक पूरा अच्छा क्लियर रहे। ये सभी के सभी अपना पालखी लेके जा रहे, देखिए वाह, बट अभी तक इनकी डोली नहीं दिखी मुझे, बहुत आगे होगी शायद। तो काफ़ी टाइम बाद सूर्य देख रहा हूँ मैं, सूर्य जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह राइड करने का कुछ अलग ही मजा है, रोड भी ऑलमोस्ट खाली मिलता है, और अभी जैसे कि ठंडी का मौसम है, मस्त ठंडा ठंडा लग रहा है। ओ वाह डोली, डोली यहाँ पर दिख नहीं, तो ये काय का डोली रहेगा, साई बाबा एक वीरा। ओ हो, तो ये सारे के सारे लोग एक वीरा जा रहे हैं। तो ये रहा शेडून का टोल, अब तक हम लोग ने 12 किलोमीटर चला लिए है, एंड यहाँ से प्रॉपर पुणे एक्सप्रेसवे चालू होता है। ये एक्सप्रेसवे स्टार्ट होते ही मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, ये झाड़ को क्या मस्त शेप दिया है, क्या सही लगता है। मुझे ना अपने गाड़ी का नामकरण करना था, लेकर 5 साल हुआ है, अभी तक मैंने उसका नामकरण नहीं किया है, एंड मैंने यूट्यूब चैनल भी खोल दिया, तो सोचा आप लोगों से पूछता हूँ। तो आप में से जो भी ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना गाड़ी का नाम क्या रखना चाहिए। वैसे तो मुझे पता है नाम काफ़ी आएगा, बहुत लोग अलग अलग बताएंगे, तो उनमें से जो अच्छा लगेगा मैं रख दूंगा,
बट प्लीज कमेंट करके बताना मुझे कि क्या नाम रखना चाहिए गाड़ी का। ऐसे ही हर वीडियो में आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे और मोटिवेट करिए कि मैं और अच्छा अच्छा वीडियो बनाऊं। ओ भाई साहब, ये अंकल को देखिए, क्या मस्त आराम से रोड क्रॉस कर रहे हैं, वो भी हाईवे पे। और ये हम पहुंच चुके हैं एकदम सुंदर सी जगह, खंडाला घाट। ये देखकर मुझे मेरे गांव की याद आ गई, बट यहाँ का रोड तो बड़ा है, गांव का तो बहुत छोटा होता है। वाह, अभी मजा आएगा। जहाँ पर ऐसे टेढ़े मेढ़े रोड होते हैं ना, वहाँ पर मुझे चलाने में बहुत मजा आता है, कुछ अलग ही वाइब है। यहाँ से थोड़ा सभी के सभी गाड़ी स्लो हो जाती है और अपनी स्कूटी भी थोड़ी स्लो हो जाती है, क्योंकि गियर नहीं है ना, तो फटाफट पिकअप नहीं लेती है। और बाकी के ट्रक्स तो और ही स्लो चलते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है ट्रक रुकी हुई है, चल रही नहीं। अभी ये ट्रक को देखो, ऐसा लग रहा है रुकी हुई है, यहाँ पर बहुत धीरे धीरे चल रही है। और यहाँ पर ऐसे ही करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा करके ओवरटेक करना पड़ेगा, नहीं तो फिर हम वही गाड़ी के पीछे रह जाएंगे। ओ शिट, यहाँ पर तो बड़े बड़े ट्रक एक दूसरे को भी ओवरटेक कर रहे हैं। यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे लोनावला है, तो नीतू लोनावला आई है, बट स्कूटी में ट्रैवल नहीं किया तो उसे बहुत डर लग रहा है। वाह, यहाँ पर मंदिर है, सिंगोबा मंदिर। वाह, गणपति का है ये। ओ, इसका हेलमेट मेरे जैसा ही है, सिर्फ इसका डिजाइन है नीला कलर का। ओ शिट, क्या गलत ओवरटेक कर रहे। ओ माय गॉड, आई थिंक सो दोनों के बीच में रेसिंग चालू है और ऐसा ओवरटेक करके मस्ती कर रहे। और सेकंड एक्सीडेंट, शिट। सो देखिए, ये टर्न की वजह से हुआ है सब कुछ, टर्न भी इतना खतरनाक है। ओ भाई साहब, बड़ी मुश्किल से निकले हम लोग घाट से। घाट में जब तक मैं था, मैं 20 के ऊपर गया ही नहीं। वहां पर ऊपर जाने के बाद इतना डेंजर हवा आ रहा था, इतना डेंजर कि मुझे 20 के ऊपर जाने का मन ही नहीं किया। गाड़ी पूरी ऐसी हिल रही थी, ऐसा डर लग रहा था ज्यादा स्पीड में चलाऊंगा तो कहीं गाड़ी डिसबैलेंस होके गिर ना जाए, तो मैं 20 के ऊपर गया नहीं, एकदम स्लो आ रहा था। अभी घाट का एरिया पूरा क्रॉस हो चुका है, बस अभी थोड़ी देर में लोनावला आने वाला है, प्रॉपर सिटी। एंड यहाँ से चिक्की का दुकान चालू हो चुका है, तो लोनावला का एकदम फेमस चीज है चिक्की। अगर आप लोनावला में आओगे तो चिक्की यहाँ का जरूर खा के जाना, हर जगह आपको मगनलाल चिक्की वाला दिखेगा। ये है मगनलाल, यहाँ पर मोस्टली पूरे के पूरे मगनलाल चिक्की वाले हैं एंड कुछ कुछ अलग। इट्स 9:33, सो फार सो गुड। और हम लोग ने अभी तक 50 किलोमीटर क्रॉस कर लिया, नाश्ते का टाइम भी हो चुका है एंड भूख भी लगी है। सोचा हम लोग ने कि लोनावला में ब्रेक लेते, तो अभी यहाँ पर जो भी आएगा मिसल पाव वड़ा पाव वो खा लेंगे, देखते हैं क्या मिलता है। सो हमने लगा लिए गाड़ी साइड में, मैं यहाँ पर रुका क्योंकि मेरा मोबाइल भी है, बार बार इसे निकालना डालना, इट्स बेटर कि यहाँ पर रहता। फिलहाल यहाँ पर अभी नीतू गई है वड़ा पाव लेने, ज्यादा टाइम नहीं, सिर्फ खाने तक का टाइम है हमारे पास, फिर हमें डायरेक्ट खा कर निकलना है। यहाँ पर कुछ रेस्ट नहीं लेना, कुछ नहीं, जब तक नीतू कुछ नहीं बोलती तब तक कहीं पर नहीं रुकेंगे। अब तक तो नीतू को शायद से प्रॉब्लम नहीं आई है, अब तक उसने कुछ बोला नहीं है, तो देखते जब नीतू बोली कहीं रुकना है तो रुकेंगे। अंदर बैठना है, यहीं पे लाना, यहीं पे खाते। सो नीतू कह रही है अंदर बैठना है, तो मैं अपना मोबाइल निकाल देता हूँ, साथ ही साथ चार्जर भी निकाल देते हैं। तो अंकल हमारे लिए गरम गरम बना रहे, वैसे यहाँ पर अवेलेबल है आई थिंक सो, नीतू ने बात किया तो अंकल 4 वड़ा पाव हमारे लिए एकदम फ्रेश गरम गरम बना रहे। नीतू 2 खाएगी, मैं 2 खाऊंगा, सो फार सो गुड। जहाँ पर भी रुकेंगे वहाँ पर सबसे पहला काम है मेरा इसको चार्ज करना, तो अभी फिलहाल मैंने इसको चार्जिंग पे लगा दिया है। थैंक यू। फाइनली नाश्ता हो चुका, थोड़ा बहुत पेट भर गया और अपनी बैटरी भी चार्ज हो गई है, 15% चार्ज हो गई इतने टाइम में, काफी अच्छा था, अच्छा लगा देखकर। पावर बैंक वैसा मेरा एक साइड का फास्ट चार्जिंग है, एक साइड का लो है, तो मैंने फास्ट में रखा था, तो अच्छा खासा हो गया। अब चलते हैं डायरेक्ट भगवान के पास ही रुकेंगे अभी हम। वैसे वड़ा पाव खा के इतना पेट नहीं भरा क्योंकि मम्मी का हाथ का खाना कुछ अलग ही है, और मेरे को जैसे कि नाश्ते में एकदम हैवी नाश्ता नहीं बट नॉर्मल रोटी सब्जी चाहिए, जो कि मेरा पेट एकदम अच्छा खासा भर जाता है उससे। सो बस मैं वही मिस कर रहा था, मम्मी के हाथ का बना हुआ रोटी सब्जी। बट कोई नहीं, बाहर ट्रैवल करना है तो ये सबसे काम चलाना पड़ेगा। वैसे भी वड़ा पाव काफ़ी टेस्टी था, अच्छा था। ये रहा एकवीरा मंदिर के लिए रास्ता, यहाँ पर लेफ्ट जाओगे तो यहाँ से एकवीरा मंदिर आता है, यहाँ पर बहुत अच्छा व्यवस्था करके रखा है। वाव, आज लगता है कुछ तो है, बड़ा प्रोग्राम है, क्योंकि जब हम आ रहे थे हमें आते वक्त 3 डोली दिखी थी,
और तीनों यहीं पे आने वाले। सो यहाँ पर लेफ्ट साइड में वेट एंजॉय आया है। नीतू वेट एंजॉय जाना है? 2 साल से हम लोग वेट एंजॉय नहीं गए, 2 साल से पूरा बंद था। तो हम लोग अब तक वेट एंजॉय 2-3 बार जा चुके हैं। वेट एंजॉय काफी अच्छा है, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा इमेजिका से अच्छा वेट एंजॉय जाइए। इमेजिका इतना अच्छा नहीं है, मैं इमेजिका गया था एक टाइम वाटर पार्क में, बट कुछ अच्छा नहीं है। उससे अच्छा वाटर पार्क यहाँ पर वेट एंजॉय है। बट अभी जैसे 2 साल से बंद था तो आई डोंट नो अभी क्या सिचुएशन रहेगा वहाँ पर, कैसा होगा। जब नया नया था तभी हम लोग गए थे, 2-3 बार जाकर आए, बहुत अच्छा था। ओ भाई अभी अभी जस्ट एकदम खतरनाक सीन हुआ। ये जो यहाँ पे टर्न दिख रहा है, ऐसे पीछे टर्न आया था एंड एक अर्टिगा वाला पता नहीं कौन सा पागल ड्राइवर था, बिन देखे उसने डायरेक्ट ऐसे डाला अंदर, अपने गांव के साइड जा रहा था यहाँ पर, और मेरे पीछे से एक बाइक आई ओवरटेक करके, वो स्पीड में थी, जस्ट एक्सीडेंट होते होते बचा। मैं तो पूरा डर गया था, अच्छा मैं स्लो था, बट वो जो बाइक वाला था उसकी क्या फट्टी होगी, वो तो एकदम उसने अर्जेंट ब्रेक मारा, जस्ट बच गए। ओ शिट, मेरा ध्यान अभी गया पेट्रोल में, पेट्रोल तो है ही नहीं, पेट्रोल ख़त्म होने को आया, तो अभी सबसे पहले यहाँ पर पेट्रोल भराते। वैसे मुझे आसपास नज़दीक में पेट्रोल पंप तो दिख रहा नहीं है, फाइनली पेट्रोल पंप दिख गया पर उसमें पेट्रोल है कि नहीं पता नहीं। टर्न कहाँ पर है इसका? बड़ा टर्न मार के आना पड़ेगा लगता है, टर्न तो दूर दूर तक दिख रहा नहीं है। ओ शिट, किधर है? टर्न है ही नहीं यहाँ पर, आगे दूसरा पेट्रोल पंप देखने का क्या? बहुत बड़ा टर्न है ये तो, आगे पता नहीं यार किधर मिलेगा, जाने का छोड़ आगे जाते कहीं पेट्रोल खत्म ना हो जाए बस, क्योंकि पेट्रोल बहुत कम है, बहुत कम। फाइनली हमें पेट्रोल स्टेशन मिल गया। जो हमने पेट्रोल पंप देखा था वो उसका जो यू टर्न था वो काफी लंबा था, तो हमने सोचा आगे जाते, तो आगे 1.5-2 किलोमीटर के पास में ही हमें ये दूसरा इंडियन ऑयल मिल गया। नसीब से अच्छा यहाँ पर मिला। पुणे यहाँ से 30 किलोमीटर है और हमें और ट्रैवल करना है 70 किलोमीटर, जो कि और 1.5 घंटा लेगा। आई थिंक से हम लोग 12 या तो 12 से पहले पहुंच जाएंगे। भैया फुल कर देना, हाँ लॉक कर दो। फाइनली अपना भी पेट भर चुका है और गाड़ी का भी पेट भर लिया है, अब चलते फटाफट। सो हम लोग ने पुणे एंटर कर लिया, बट अभी भी रोड ट्रिप काफी बची हुई है, अभी हमें स्टिल 57 किलोमीटर और आगे जाना है। वाह, तो हमें और एक यूट्यूबर मिल गए, क्या बोल रहे हो? नारायणपुर प्रति बालाजी टेम्पल। वाह क्या ब्रिज है ये, ओहो बहुत बड़ा है इसका पिलर तो। वाओ, हाईवे से हम लोग अंदर तो आ गए, बट जो अंदर वाला रास्ता है वो 5 किलोमीटर का रास्ता है, तो अभी तक हम लोग ने 4 किलोमीटर कवर कर लिया, बस अभी 900 मीटर बचा है। हमें ऑलरेडी मंदिर दिख चुका है, यहाँ पर राइट साइड में है, तो अभी आया है बालाजी मंदिर कॉर्नर, तो ये रहा बालाजी मंदिर कॉर्नर और यहाँ से हमें ऐसा राइट मारना है। तो सबसे पहले अभी मम्मी को कॉल करते है। पापा गुड मॉर्निंग, हम लोग पहुंच गए अभी। हाँ जस्ट अभी पहुंचे, हाँ 3.5 घंटे का रास्ता था। खाना बना के रखने का क्या? नहीं, अभी तो हम लोग पहुंचे, यहाँ पर अंदर जाके दर्शन लेंगे, फिर हम लोग यहाँ पर खाना खा के ही आएंगे। अच्छा। मम्मी किधर है? ठीक है फिर मम्मी को बोल दो। हाँ नीतू कैसा था राइड अभी तक का? मजा आया? कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? सो यहाँ तक का राइड एकदम अच्छा था हम दोनों का, कहीं कुछ दिक्कत नहीं, कुछ नहीं, बहुत मस्त लगा राइड करके। हम लोग ने शूज का एरिया एंटर कर लिया है, यहाँ पर ये देखिए काफी अच्छा है, जहाँ रखना है वहाँ पर रखिए और छोड़ के चले जाइए, यहाँ पे कुछ कूपन वाला सिस्टम नहीं है। तो शूज रख लिया एंड यहाँ पर जो शूज रूम था वो काफी अच्छा था, यहाँ पर बिल्कुल भी चार्जेस नहीं है एंड खुद जाकर कोई भी जगह पर रख दो, बस जगह याद रखना, तो ना कोई आदमी है वहाँ पर काम करने वाला और ना चार्जेस है। अंदर सिक्योरिटी बहुत टाइट है एंड मोबाइल भी अलाउड नहीं है, अगर आपको अंदर का व्यू देखना है तो आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा एंड आप जब सामने से देखोगे तो काफ़ी अच्छा है, बहुत मस्त है, अंदर फोटोज़ क्लिक करने के लिए भी अच्छा है एंड व्लॉग करने के लिए भी अच्छा है, बट क्या करें मोबाइल अलाउड ही नहीं है तो मैं कुछ शूट ही नहीं कर पाया अंदर। तो अभी फ़िलहाल मैं मंदिर के बाहर बैठा हूँ और नीतू ने जस्ट अभी मोबाइल लेकर आई, तो अभी नीतू बहन से बात कर रही है और यहाँ से जो व्यू दिख रहा है काफ़ी अच्छा है, बट आई थिंक सो यहाँ पर कैमरा में ठीक से नहीं आएगा क्योंकि धूप गलत साइड से आ रही है, फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ मेरे सामने क्या है। काफी नीट एंड क्लीन है और यहाँ पर जो काम करने वाले लोग हैं उन लोग भी एकदम अच्छे हैं। वाह यहाँ का टॉयलेट भी देखिए कैसे साफ सुथरा है, यहाँ से पहले पैर धो फिर टॉयलेट में जाओ। नीतू वॉशरूम कैसा था? बिल्कुल भी गंदा नहीं ना?
सेम मेरा भी। मैं अंदर गया, मैं बोला बाप रे इतना क्लीन तो मैंने देखा नहीं है। सो फिलहाल अभी हम लोग पहले अपना जूता लेने जा रहे हैं, फिर उसके बाद अभी बाहर निकल जाएंगे। ये बूट जितना निकालने में इजी है उतना पहनने में बहुत हार्ड है। ये बूट मुझे पसंद है क्योंकि एकदम कंफर्टेबल है, बट पहनने में तो मुझे आधा घंटा लग जाता है। अभी पहले बताने जा रहे हैं। तो क्या हो गया? क्या हो गया? ये पैंट स्टाइल है, ये पहले से फटा हुआ था। स्टाइल है क्या? होगा कि नहीं? सो ये जो इसका मुंह है वो स्ट्रेचेबल नहीं है, ये सेम उतने ही साइज का है, तो मैं जब पैर डालता हूँ तो ये स्ट्रेच नहीं होता है, इसलिए काफ़ी दिक्कत होती है पहनने में। तो ये रही वेज थाली। वेज थाली में राइस, 3 रोटी, दाल और 2 सब्जी अलग अलग। ये आलू की सब्जी है, पता नहीं कौन सी है। ये क्या है? लस्सी जैसा लग रहा है, मीठा भी लग रहा है। सो ये लस्सी है और कांदा, अचार और पापड़। भैया खाना बहुत अच्छा था, ये मेरे तरफ से। थैंक यू। जिसने भी बनाया सभी को थैंक यू, बहुत अच्छा था, सब टेस्टी था, इसलिए मैंने सब 2-2 बार मांगा, अच्छा लगा। तो अभी हम लोग आ चुके हैं समर्थ रेस्टोरेंट यहाँ पर लंच करने के लिए। लंच का ऑर्डर दे दिया है, तो हम दोनों ने नॉर्मल वेज थाली मंगाया। ये वेज रेस्टोरेंट है एंड जो रेस्टोरेंट है वो मंदिर के अंदर के एरिया में ही है। एक्चुअली हमें मंदिर का फूड खाना था बट मंदिर का फूड बंद है, यहाँ पर कुछ भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ नॉर्मल दर्शन होते हैं। ये अच्छा है कि हमारा दर्शन जल्दी हो गया, टाइम नहीं लगा, और जैसे कि ये वीकडेज है तो वीकडेज में ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, तो हमारा दर्शन पूरा कंप्लीट हो गया। बस अभी लंच के लिए वेट कर रहे हैं, लंच होते ही फिर हम लोग निकल जाएंगे। आपने और एक चीज़ नोटिस की होगी, यहाँ पर प्रसाद नहीं है, प्रसाद दिखाई नहीं, आई मीन ना अंदर से हमें प्रसाद मिला और बाहर सेल करने वाले भी कोई नहीं है प्रसाद। तो यहाँ पर जो है वो अभी तक मैंने सिर्फ लड्डू देखे। लड्डू अगर पसंद आए तो घर के लिए लड्डू लेकर चले जाएं। वाह बहुत टेस्टी था फूड, मज़ा आ गया यहाँ पर लंच करके। अगर आप लोग भी आओगे तो समर्थ होटल में आना, काफ़ी टेस्टी फूड है। मैंने तो 2 प्लेट खाया, प्लेट में सारा का सारा चीज़ मैंने 2 बार मंगाया, सिर्फ राइस नहीं खाया मैंने। राइस मैंने अपना नीतू को दे दिया था, थोड़ा सा बचा हुआ था वो मैंने खाया, बाकी का सारा चीज़ मैंने 2 टाइम मांगा एंड उन्होंने मुझे चार्ज भी नहीं किया। दोनों के लिए इन्होंने हमें एक एक पर प्लेट के हिसाब से चार्ज किया था। मुझे लगा मेरे प्लेट के लिए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे सेकेंड प्लेट, बट उन्होंने बिल्कुल भी चार्ज नहीं किया एंड सर्विस भी अच्छी थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो आप यहाँ पर आओगे तो समर्थ होटल में जाके ज़रूर खाना। फिर से एक बार निकलने से पहले गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नीतू का बैग यहाँ पर रख दिया है क्योंकि नीतू को पीछे बैठकर पहनने में काफ़ी दिक्कत हो रही है, तो अब बैग यहीं पे आगे रहेगा, ऐसे ही चलाएंगे। मोबाइल मैंने चार्जिंग पे लगा दिया है, मैप ऑन कर लिया है, बस अभी निकल रहे। सो यहीं पे देखिए पूरा मार्केट है, ये साइड स्कूटी की पार्किंग है 2 व्हीलर की और वो साइड पूरा 4 व्हीलर पार्किंग है यहाँ पर। और एक बात मुझे अच्छी लगी, पार्किंग का बिल्कुल भी पैसा नहीं है, 2 व्हीलर हो 4 व्हीलर हो कुछ भी हो। वाह क्या व्यू है यार नीतू यहाँ का, यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा। यहाँ पे बिस्तरा लगा के सो जाते क्या? हाँ मस्त ठंडा ठंडा हवा आएगा। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट एग्जिट गेट के पास पहुंच ही रहे। बाय बाय प्रति बालाजी टेम्पल, मज़ा आ गया यहाँ पर। अब डायरेक्ट हम 50-60 किलोमीटर के बाद ही एक टी ब्रेक के लिए रुकेंगे आई थिंक। सो वापस हम लोग लोनावला में ही रुकेंगे, तो चलते आगे जाके राइट मारना है। राइट मारते ही हाईवे चालू हो जाएगा। ये सामने जो दीदी है ना बहुत गजब चला रही है, बहुत गजब। सबसे पहली बात तो दीदी ने हेलमेट नहीं पहना है, और दूसरी बात एकदम राइट साइड से जा रही है दीदी, और थर्ड बात जो हैवी ट्रक होते हैं ओवरलोडेड ट्रक उसमें बहुत खतरनाक सामान था एंड वो ट्रक से भी भार था वो सामान, और वो दीदी उसी के बाजू से जा रही थी। मैं देखकर इतना डर गया, मेरी फुल फट गई थी। मैं बोला कहीं इन्हें चोट ना लगे। देखे अभी भी वापस देखे, एकदम ट्रक के बाजू से जा रहे, एकदम बाजू से। ओह शिट, आई थिंक सो शी इज़ अ हैवी ड्राइवर। वो देखो वापस अगर आपको दिखा होगा तो। तो फिलहाल अभी नीतू को चॉकलेट चाहिए था, तो हम लोग चॉकलेट शॉप पे आए, देखते हैं यहाँ पर कौन सा चॉकलेट है। कौन सा लेना है? कॉफ़ी वाला लेना, कॉफ़ी वाला भी अच्छा ही है। ये कॉफ़ी वाला है ना, वो दे दो, दो दे दो। सो फार सो गुड एंड बेस्ट टिल नाउ। अभी हम लोग ने फिलहाल
यहाँ पर साइड में रोका था क्योंकि नीतू को चॉकलेट चाहिए था, नीतू को नींद आ रही थी पीछे बैठे बैठे, सो उसने कहा कि चॉकलेट चाहिए, तो चॉकलेट का शॉप ढूंढा, वहाँ पर मिल गया था लकीली। मैंने भी एक कॉफ़ी का चॉकलेट खा लिया है, अब थोड़ा राइड में और मज़ा आ रहा है। एक्चुअली नीतू ने राइस खाया ना बहुत दबा के, इसलिए उसे नींद आ रही। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं लोनावला एंड यहाँ पर अभी 10 मिनट का चाय ब्रेक लेंगे, तो हम लोग चाय पीने वही जगह जा रहे हैं जहाँ पर हम लोग ने सुबह पिया था। वहाँ का चाय बहुत टेस्टी था, मज़ा आ गया सुबह वो पीकर, तो अभी भी वहाँ पर ही जाना है। 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वहाँ पर रिफ्रेश होंगे। रीच्ड होम, तो आज हमारा जो राइडिंग जर्नी था वो टोटल 302 किलोमीटर का था, बहुत ज्यादा मजा आया। नीतू भी बेचारी थक गई है, अब चलते हैं घर पर। मैक्स भी ऊपर से भौंक रहा है, उसे लगता है पता चल गया मैं आ गया हूँ। क्या बोल रहे हो? आरनपुर प्रति बालाजी टेम्पल। ओ ओ भाई साहब,